सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। व्यूअर्स वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। गंदम की बजाई के लिए खाद का प्लान, सस्ता प्लान ज़रूरी नहीं है, मुस्तनद और सर्टिफाइड प्लान ज़रूरी है। जहन में रखिएगा, अच्छी पैदावार के लिए बजाई का अच्छा आगाज ही शर्त है। हमारी ज़मीनों की पीएच इस वक्त 8.5 से 9 के दरमियान में असासी ज़मीनें हैं। अगर फास्फोरस और पोटाश का लेवल चेक किया जाए तो फास्फोरस और पोटाश हमारी ज़मीनों में बहुत कम है। हम ज़मीनों को कमज़ोर, दरमियानी या ज़रखेज़ ज़मीनों की कैटेगरी में तकसीम तो करते हैं, लेकिन हमारी ज़मीनों में फास्फोरस का लेवल और पोटाश का लेवल बहुत कम है। कुछ ही रकबे हैं कि जिधर पोटाश का लेवल 200 से ऊपर है और कुछ ही रकबे हैं जहां पर फास्फोरस का लेवल 2 से 3 PPM के दरमियान है। तो सबसे पहले हमें सॉयल फर्टिलिटी को बढ़ाना है और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है। बजाई के लिए पहले 20 दिन पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सॉयल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें बेसल डोज इस्तेमाल करना पड़ती है, ताकि हमारे पौधे का आगाज़ जानदार हो, सॉयल हमारी फर्टाइल हो, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी की सलाहियत ज़्यादा हो। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेतले रकबे के हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे ज़िम्मेदार हैं जिनके रकबे रेतले हैं। तो रेतले रकबे के ज़िम्मेदार सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट के 3 से 5 बैग फी एकड़ इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से आपकी सॉयल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। उसके बाद दूसरी ऑप्शन आ जाती है सल्फर 75% वाला, एलिमेंटल सल्फर जिसे आप बोलते हैं, ताकि ज़मीन की पीएच को ये किसी हद तक कम करे। वैसे तो इसके 2 से 3 बैग भी आप दे सकते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक 1 बैग लाजमी दें। खादें महंगी हैं और अजनास के रेट कम होने की वजह से हमारी माली हालत इस वक्त बहुत तंग है। बुरान अगर आपने पूरे साल में इस्तेमाल नहीं किया पिछली किसी भी फसल में, तो सोना बुरान 3 किलो ज़मीन की तैयारी में लाजमी इस्तेमाल करें। धान वाले इलाके में एलिमेंटल सल्फर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि धान की पहली खाद आप 35 से 40 दिन बाद देते हैं, तो आपके लिए 21 दिन पे सल्फर देना या वाटर सॉल्युबल खादें देना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा धान के ज़िम्मेदार हर कीमत पर अपनी ज़मीन में सल्फर 75% वाला या एलिमेंटल सल्फर इस्तेमाल करेंगे। रेतले रकबे के ज़िम्मेदार लाजमी तौर पर वर्मी कंपोस्ट अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे, कम अज़ कम 3 बैग, और अगर आप 5 बैग अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करें। यह आपके आइंदा सालों के लिए भी आपकी ज़मीन की सलाहियत को बेहतर करने में मुआवन साबित होगा। अब आते हैं खाद की तरफ। खाद के लिए मुनासिब खाद, कम से कम खाद हम देंगे, उसके लिए SSP या BOP के 2 बैग आप बजाई में इस्तेमाल करें जिन ज़मीनों की PPM लेवल फास्फोरस का 3 से भी कम है। अगर आपकी ज़मीन का फास्फोरस लेवल बेहतर है तो आप 1.5 बैग भी SSP या BOP का दे सकते हैं। SOP का 1/2 बैग दें आप, ये लाजमी दें, भले आप नहरी रकबे के काश्तकार हैं भले आप बरानी रकबे के काश्तकार हैं, 1/2 बैग शर्तिया तौर पर लाजमी दें। इसके बाद यूरिया का 1/2 बैग आप देंगे, एक ये खाद प्लान है। दूसरी ऑप्शन यह है कि जरखेज प्लस का आप 1 बैग इस्तेमाल कर लें, साथ आप यूरिया का 1/2 बैग इस्तेमाल कर लें। यह कम से कम खाद का लेवल है जो बेसल डोज में आप दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप नाइट्रोफास का 1 बैग इस्तेमाल करें और SOP का 1/2 बैग आप दे दें। यानी एक ऑप्शन ये आ गया, दूसरा ऑप्शन ये आ गया, तीसरा ऑप्शन ये आ गया, और साथ आपने सल्फर 75% जो हमारे धान वाले रकबे के काश्तकार हैं वो लाजमी ऐड करेंगे। धान के रकबे में हम 21 दिन पर तजाबी फास्फोरस की डोज नहीं दे सकते, अगर तो बारिश हो जाए वेल एंड गुड, हम उस वक्त कोई दानेदार फास्फोरस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जरखेज प्लस या नाइट्रोफास 21 दिन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे जितने भी ज़िम्मेदार हैं 21 दिन पर उनका पानी नहीं लगता, पानी की जो पहली शुरुआत है वो तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद होती है और कुछ रकबों में 45 दिन पे जाकर पहले पानी का आगाज होता है। लिहाजा धान के जितने भी हमारे काश्तकार हैं वो फास्फोरस की डोज जो स्लो रिलीज फास्फोरस है वो शुरू में बढ़ाएंगे, और उसके लिए आप ये जो सिफारिश करदा खादे हैं इनके साथ 1/2 बैग नाइट्रोफास का अजाफी ऐड करेंगे। यानी आम अगर आप 1 बैग नाइट्रोफास के साथ 1/2 बैग SOP दे रहे हैं तो आप 1.5 बैग नाइट्रोफास के साथ 1/2 बैग SOP देंगे। अगर आप जरखेज प्लस 1 बैग और यूरिया 1/2 बैग दे रहे हैं तो भी आपको नाइट्रोफास का 1/2 बैग यहां पर अजाफी ऐड करना है। अगर आप SSP, SOP और यूरिया वाला ऑप्शन ले रहे हैं
तो यहां भी नाइट्रोफास का आधा बैग आपने लाजमी ऐड करना है अगर आप धान के रकबे के काश्तकार हैं। पहले हम जोरावर रिकमेंड करते थे लेकिन जोरावर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमें नाइट्रोफास की तरफ जाना पड़ता है। नाइट्रोफास सर्टिफाइड कंपनी की लेनी है आपने, जैसे कि एंग्रो है, किसी लोकल कंपनी की नाइट्रोफास नहीं लेनी, क्योंकि रॉक फास्फेट को ट्रीट करके कुछ कंपनीज जाली नाइट्रोफास बना रही है, तो मार्केट में बड़ी वाफर दस्तियाब है, सस्ते रेट पे मिल रही है, वो नाइट्रोफास आपने नहीं लेनी, किसी भी सर्टिफाइड कंपनी की नाइट्रोफास लेनी है। ऑस्टन अगर ये खाद के अखराजात का तखमीना आप लगाएं तो ये खाद के अखराजात बुरान समेत 17,000 रुपए की रेंज में आपके बनते हैं। अगर आप सल्फर और वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं तो ये अखराजात कदरे रेट के हिसाब से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अगर आप 3 बैग ऐड करते हैं तो 6,000-7,000 की रेंज में बनेंगे। सल्फर एलिमेंटल अगर 10 kg इस्तेमाल करते हैं तो 2,000 की रेंज में इसकी भी प्राइस आ जाती है, तो 8-10,000 रुपए ये धान या रेतले रकबे के इलाकों को अजाफी जरूरत पड़ेगी। लेकिन औसतन हमारी बुजाई की खाद 17,000 रुपए, ये बुजाई की खाद हर पहलू को सामने रखते हुए आपको सिफारिश की जा रही है। इसमें धान के रकबे के काश्तकारों की भी सिफारिशात मलहूज़ खातर रखी गई हैं, इसमें रेतले रकबे के काश्तकारों की सिफारिशात भी मलहूज़ खातर रखी गई हैं, इसमें कम से कम खादों के लेवल को मलहूज़ खातर रखा गया है। सस्ता तरीन खाद प्लान आपको देने की कोशिश की है, लेकिन सस्ता तरीन खाद प्लान से मुराद यह है कि इतना ही सस्ता होना चाहिए कि हमारी फसल की जरूरियात और हमारी ज़मीन के फर्टिलिटी लेवल को भी मेंटेन कर रहे। अगर हम अपनी सॉइल फर्टिलिटी को, सॉइल प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनिक मैटर को, सॉइल पीएच को, इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, वाफर खादे देंगे तो भी फायदा नहीं है, और इन रिकमेंडेड खादों से कम खादे देंगे तो भी फायदा नहीं है। यानी ये कम से कम खाद का लेवल है जो आपकी फसल की जरूरत है, आपकी जमीन की जरूरत है। मैं जमीन और फसल दोनों को बता रहा हूं, क्योंकि जो बुजाई की खाद है बेसिकली ये आपने अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए देनी होती है। मैं बारहा कह चुका हूं कि गंदम की फसल को पहले दिनों में बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमने सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। और सॉइल फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, पीएच को जब हम डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्कस करते हैं, तो ये सारी चीजें मलहूज़ खातर रखते हुए ये खाद प्लान आपको सिफारिश किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये खाद प्लान आपको अच्छी पैदावार लेने में मुआवन साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।